टाइम टू डाई, ये डेनियल क्रेग की 25वीं मूवी है और ये डेनियल क्रेग की आखिरी मूवी भी होने वाली है। जो डेनियल क्रेग के फैन है और जो जेम्स बॉन्ड की मूवी देखना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। दोस्तों, इससे पहले आई मूवी सेक्टर 007 मूवी के शूटिंग के बाद डेनियल क्रेग ने यह कहा था कि वह अब जेम्स बॉन्ड की मूवी में काम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया और नो टाइम टू डाई इस मूवी में वह काम करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वह अब जेम्स बॉन्ड की मूवी में काम नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि भले ही डेनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड की मूवी में काम नहीं करेंगे, शायद कोई और मेल कैरेक्टर इस मूवी में आगे काम करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब जेम्स बॉन्ड की मूवी में कोई भी मेल कैरेक्टर नजर नहीं आएंगे, बल्कि डेनियल क्रेग को रिप्लेस करेगी लसाना लिंच। जी हाँ, अब जेम्स बॉन्ड की जो भी मूवी बनेगी उसमें भी कोई भी मेल कैरेक्टर लीड रोल में नजर नहीं आएंगे, बल्कि लेडी बॉन्ड नजर आएगी। और अगली जो बॉन्ड की मूवी बनेगी उसमें लसाना लिंच लीड रोल में नजर आएगी। इस मूवी की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है कैरी फुकुनागा ने और इस मूवी के मेन कास्ट में है डेनियल क्रेग, रामी मालिक और लिया सैडॉक्स। और इस मूवी को $250 मिलियन में बनाया गया। और इस मूवी के प्रेडिक्शन की बात करें तो इस मूवी को प्रेडिक्शन किया गया है कि यह मूवी 3 दिनों में ही 75 से 100 मिलियन तक का कलेक्शन 3 दिनों में ही पूरा कर लेगी और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $880 मिलियन होगा। अब तो जब यह मूवी रिलीज होगी तभी यह बोल सकते हैं कि यह मूवी कितने तक की कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो इस मूवी काफी लफड़े चल रहे हैं। इस मूवी को 3 अप्रैल को रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इस मूवी को एक दिन पहले रिलीज करने का सोचा, यानी कि 2 अप्रैल को। उसके बाद तो कोरोना वायरस का कहर छा गया, जिसकी वजह से इस मूवी को एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 महीने तक बढ़ा दिया गया। लेकिन एक तरफ से इन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना वायरस इतना फैल चुका है कि इसकी डर से इटली, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के सिनेमा घर बंद हो चुके हैं। और जेम्स बॉन्ड की जो भी मूवी आई है इसका पिछले का 4 मूवी का कलेक्शन अमेरिका से बाहर कर रहा है, यानी जो इन्होंने अपने देश से कलेक्शन किया उससे ज्यादा कलेक्शन यह बाहर के देशों से करता है। और ऐसे में 4 मेन ऐसे देश है जिसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन ये लोग कर सकते हैं, उन 4 देशों का सिनेमा घर ही बंद हो चुके हैं। ऐसे में अगर इस मूवी को इन्होंने अभी रिलीज किया तो यह मूवी उतनी तक की कलेक्शन नहीं कर पाएगी जितनी तक की करनी चाहिए और इन मूवी के कलेक्शन में काफी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। भारत में भी कोरोना वायरस के इफेक्ट पड़े हैं, पर अभी तक भारत में कोई भी मरीज मरा नहीं है। अभी तक कोरोना वायरस से पूरे 3000 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग इससे संक्रमित हैं। ऐसे में जो डर बना हुआ है जिसकी वजह से सिनेमा घर बंद हुए हैं, अगर इस मूवी को इन्होंने अगर अभी रिलीज किया है तो यह मूवी बिल्कुल ही चल नहीं पाएगी। जो इन्होंने डिसीजन लिया है ना इस मूवी को नवंबर में रिलीज करने का, वो बिल्कुल सही फैसला लिया है। और जो इंडियंस जेम्स बॉन्ड की मूवी का इंतजार करते हैं ना, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जेम्स बॉन्ड की मूवी का ट्रेलर यूट्यूब में 10 भाषा में रिलीज किया गया है, जो की तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में YouTube पर इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया है। भले इस मूवी का ट्रेलर इंडिया में 10 भाषाओं में रिलीज किया गया है, लेकिन इस मूवी को भारत में सिर्फ 5 भाषा में रिलीज किया जाएगा, जो कि अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ है। ये 5 लैंग्वेज में ही भारत में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो यह मूवी ब्रिटेन में 12 तारीख को रिलीज किया जा रहा है और पूरे वर्ल्ड वाइड सभी जगह इस मूवी को 25 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी को नवंबर तक पोस्टपोन करना एक सही डिसीजन था या फिर गलत, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।